हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एशेलॉन फॉर्म मेथड से रैंक किस तरह से फाइंड करते हैं इसका एक क्वेश्चन बताने जा रही हूं। इससे पहले भी इस टॉपिक पर कई वैरायटी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो एक 4x4 मैट्रिक्स है जिसकी हम रैंक और नलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं यूजिंग एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन का वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है हम उसे एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसका जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट यानी A11 पोजीशन के एलिमेंट को 1 बनाते हैं, उसके बाद उसके नीचे जीरोस बना लेते हैं, देन A22 पोजीशन के एलिमेंट को 1 बनाते हैं, उसके नीचे जीरोस बना लेते हैं, देन A33 पोजीशन के एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर जीरोस बना लेते हैं, एंड सो ऑन। रिमेनिंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली रहेंगे और ये अपर ट्रायंगल बना है इस कारण सबसे ज्यादा जीरो वाली रो या पूरे जीरो वाली रो सबसे नीचे अरेंज की जाएंगी, उसके बाद उससे कम जीरो वाली, उससे बाद उससे कम जीरो वाली, एंड सो ऑन। और एशेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का है तो रैंक ऑफ ए मैक्सिमम 4 हो सकती है या फिर उससे कम, तो लेस देन और इक्वल टू 4। अगर यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता जैसे 2x4 का होता तो उस कंडीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैक्सिमम फॉर्म हो सकता है यानी 2x2 का, तो रैंक 2 या उससे लेस होगी। तो हम कुछ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं रैंक के बारे में, तो यहाँ पर रैंक लेस देन और इक्वल टू 4 हो सकती है। अब फर्स्ट पोजीशन अगर 1 नहीं है तो इन दैट केस हम यहाँ पर फर्स्ट रो देखेंगे कि इन चारों रो में से कोई सी भी रो में अगर 1 अवेलेबल हो तो हम उसे इंटरचेंज कर कर फर्स्ट रो बना देंगे, लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यूजुअली नंबर्स ऑड या इवन नंबर होते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऑड इवन नंबर दिख रहा है जैसे यहाँ पर 3 है और ये 2 है, तो हमेशा इसका कोई मल्टीपल इसमें 1 के डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास 3 है तो हम 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, या 9 है तो 9 में हम 2 को 4 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इस तरह से हम 1 बना सकते हैं। अगर यहाँ सारे ही मल्टीपल 2 के हों तो हम इसे पहले 0 बना लें, उसके बाद फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर लें, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट रो का कोई रोल नहीं रहेगा आगे के एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए। यहाँ अभी भी हम फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बट डिविजन करने से यहाँ रैशनल्स हो जाएंगे जो कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए डिवीजन अगर करना हो तो सबसे लास्ट में करें ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। जिस रो में हम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट रो में चेंज करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट रो R1 लिखेंगे। यहाँ पर ये R1 है, हॉरिजॉन्टली 2, 3, 4, 5 जो है ये R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, 4, 5, 6 ये R2 है। सिमिलरली नीचे वाली रोज R3 एंड R4 को डिनोट कर रही है। हम R1 में चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पर 1 बनाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं ताकि यहाँ पर पॉजिटिव 1 आ जाए। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा सेकेंड रो 3, 4, 5, 6 माइनस फर्स्ट रो यानी -2, -3, -4 एंड -5 और रिजल्टेंट इज 1, 1, 1, 1। तो फर्स्ट रो के प्लेस पर 1, 1, 1, 1 मिल जाएगा। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ R1 लिखा है यानी R1 में चेंज कर रहे हैं, तो 3, 4, 5 एंड 6 एज इट इज, बाकी की सारी एलिमेंट्स इसी तरह से लिख दिए जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि A11 पोजीशन पर 1 आ चुका है और इस फर्स्ट एलिमेंट की मदद से हम इसके नीचे तीनों प्लेसेस पर 0 बना सकते हैं, बट इसके लिए हमें पूरी रो को यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग फर्स्ट रो, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम 0 कर सकते हैं R2 माइनस 3 टाइम्स R1 करके, ताकि यहाँ पर
जीरो बन जाए। सिमिलर वे में आर थ्री में हम चेंज करेंगे आर थ्री माइनस फोर टाइम्स आर वन, और आर फोर में आर फोर माइनस नाइन टाइम्स आर वन करने से हमें जीरो मिलेगा। तो नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा वो वन 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 वन, क्योंकि फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, जो भी चेंज है वो सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो में है। तो यहाँ पर तीनों प्लेसेस पर तो जीरो आना है क्योंकि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसे यूज किए हैं। और इनको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैं साइड में लिख देती हूँ। आर टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस थ्री टाइम्स आर वन, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स माइनस थ्री हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट रो वन 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 है, तो इसमें माइनस थ्री किया तो माइनस थ्री सभी जगह पर आ गया। तो यहाँ पर जीरो वन टू एंड थ्री आ जाएगा, तो सेकेंड रो के प्लेस पर जीरो वन टू थ्री लिख देंगे। सिमिलर मैनर में जब हम आर थ्री माइनस फोर टाइम्स आर वन करेंगे तो यहाँ पर सभी में से फोर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो में सारे वन है, तो फोर माइनस फोर जीरो, फाइव माइनस फोर वन, सिक्स माइनस फोर टू एंड सेवन माइनस फोर थ्री आ जाएगा। इसी तरह से जब हम आर फोर माइनस नाइन टाइम्स आर वन करेंगे तो सभी जगह माइनस नाइन आ जाएगा, नाइन माइनस नाइन जीरो, टेन माइनस नाइन वन, इलेवन माइनस नाइन टू, ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री, और इस तरह से हमें ये तीन इक्वेशन एक जैसे मिल जाएंगे। इतना करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वन और नीचे जीरोस बना लिए हैं, तो अब हम फर्स्ट रो का कोई यूज नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो को यूज करने से यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर यहाँ तीनों पोजीशन भी जीरो हो रही हो नीचे की तो हम फिर भी इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट रो को यूज किया तो यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे जो एशेलॉन फॉर्म नहीं है। तो इस तरह का कन्वर्शन करने से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए जैसे ही यहाँ पर वन और नीचे जीरोस बन जाए आप फर्स्ट रो का कोई यूज ना करें। अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं, तो सेकेंड रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है हम उसको वन बनाते हैं। यहाँ पर वो वन ऑलरेडी बना हुआ है, जब नीचे की रोज जीरो होनी होती हैं तो एलिमेंट या तो सेम आ जाते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में हो गया है, और अगर सेम नहीं आते हैं तो वो मल्टीपल होते हैं। जैसे यहाँ वन टू थ्री है तो यहाँ टू फोर सिक्स आ जाए, या माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स आ जाए, तो इस तरह से कुछ आ जाएंगे एलिमेंट्स जिससे हम इस रो के थ्रू इनको जीरो बना सकेंगे, और तभी रैंक फोर से कम होगी। अब यहाँ पर जो हमारा काम है वो थर्ड और फोर्थ रो के इन पोजिशंस पर ए टू टू के यूज से जीरो बनाना है। तो इसके लिए हम आर थ्री माइनस आर टू और आर फोर माइनस आर टू ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और इससे जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो वन 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 वन, जीरो वन टू थ्री, क्योंकि फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है और सेकेंड रो के थ्रू हम थर्ड और फोर्थ को जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कारण ये दोनों रो एज इट इज लिखाएंगी। अब जो है वो पूरा जीरो हो जाएगा और लास्ट वाला भी पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इनको सेकेंड रो को थर्ड और फोर्थ रो में से सब्ट्रैक्ट किया है, और ये तीनों रो एक जैसी हैं, इसलिए दो रोज जीरो हो जाएंगी। अब जो हमारे पास फॉर्म बचा है ये एशेलॉन फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि सारी जीरो रोज नीचे अरेंज हैं, उससे कम जीरो वाली सेकेंड पोजीशन पर है और बिना जीरो वाली रो फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन गया है जिसमें जीरो रोज नीचे हैं और जीरोस का बिहेवियर जो है वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में है। इसके अलावा एशेलॉन फॉर्म की एक ये भी कंडीशन है कि हर एक नॉन जीरो रो, तो यहाँ पर दो नॉन जीरो रोज हैं फर्स्ट और सेकेंड, वो उनका स्टार्टिंग एलिमेंट वन होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग एलिमेंट वन है और यहाँ पर भी स्टार्टिंग एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट है पहला वो वन है। तो इस तरह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। अब हम जानते हैं
कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशलॉन फॉर्म इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसलिए हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ दो नॉन जीरो रो है R1 और R2 और R3 R4 जीरो रोज हैं, तो इस वजह से हमारे पास रैंक ऑफ ए 2 आ गई है। अब हम नलिटी चेक कर लेते हैं। तो नलिटी की डेफिनेशन से नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस आर, जहां एन मैट्रिक्स के ऑर्डर और आर रैंक को डिनोट करता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी 2x2, 3x3, 4x4 एटसेट्रा। तो यहाँ पर 4x4 मैट्रिक्स है, तो हम n के प्लेस पर 4 लिख सकते हैं। और रैंक ऑफ ए यानी कि r, विच इज इक्वल टू 2, दोनों नोटेशन यूज होते हैं। r इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, और रो a यानी मैट्रिक्स a की रैंक 2 है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सो नलिटी इज 2 एंड रैंक इज ऑल्सो 2। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एशलॉन फॉर्म से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।